Hello dear student, I am Namjoon Tiwari from Lakhin Group, the smart choice for your future. Now today we are going to study the Einstein solution of physics, chapter 2, magnetic effect of electric current, page number 102 of Einstein book, question number 21. So question number 21 ko read karte hain, kya keh raha hai? A. In what respect does the construction of an AC generator differ from that of a DC generator? Means yahan pe hume batana hai jo construction hai AC generator ka wo kaise means differ hota hai DC जनरेटर से. फिर बी है व्हाट नॉर्मली derives द अल्टरनेटर इन ए थर्मल पावर स्टेशन. व्हाट फ्यूल कैन बी यूज टू हीट वाटर इन द बॉयलर. मीन्स यहाँ पे हमें क्या नॉर्मली डिराइव करना पड़ता है द अल्टरनेटर्स इन ए थर्मल पावर स्टेशन एंड व्हाट फ्यूल्स कैन बी यूज टू हीट वाटर इन द बॉयलर. तो हम पहले ए देखते हैं कि मीन्स ए सी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में कैसे डिफर होता है डी सी जनरेटर से. तो यहाँ पे ए है कंस्ट्रक्शन वाइज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डी सी जनरेटर एंड एन ए सी जनरेटर इज इन द वे द टू एंड्स ऑफ एन जनरेटर कॉयल आर लिंक टू द आउटर सर्किट. मीन्स कि यहाँ पे दो मीन्स क्या ओनली डिफरेंस क्या होता है डी सी और ए सी जनरेटर में कि जो दो वेज होते हैं उसके एंड ऑफ द जनरेटर कॉयल के वो किससे लिंक होते हैं आउटर सर्किट से. इन ए डीसी जनरेटर वी कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉयल. जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं वो जो दो एंड होते हैं कॉयल के हम किससे कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर. क्या कंसिस्ट करता है टू हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर. इन एन ए सी जनरेटर में क्या करते हैं वी कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉयल टू फुल रिंग्स. मीन्स हम जो ए सी जनरेटर होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं जो हमारा टू एंड्स ऑफ द कॉयल है उसको दो फुल रिंग से कनेक्ट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं स्लिप रिंग्स कहते हैं जो टू फुल रिंग्स ऑफ कॉपर्स की होती हैं. और डी सी में क्या करते हैं कम्यूटेटर कनेक्ट करते हैं जो टू हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर होती हैं. देयर इज नो कम्यूटेटर इन ए सी. मीन्स ए सी में कोई कम्यूटेटर नहीं होता है. बस यही डिफरेंस है इसमें कि जो मीन्स दो कॉमन सा तो है कि दो एंड्स ऑफ द जो जनरेटर होते हैं वो किससे लिंक होते हैं आउटर सर्किट से. डीसी में क्या होता है कम्यूटेटर लगा होता है क्या कंसिस्ट करता है दो हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर. और एसी में स्लिप रिंग लगा रहता है जो क्या कंसिस्ट करता है टू फुल रिंग्स ऑफ कॉपर. अब ऐसे ही बी देखते हैं जनरली द अल्टरनेटर्स इन ए थर्मल पावर स्टेशन आर ड्राइवन बाई द पावर ऑफ हाई प्रेशर स्टीम. मीन्स कि ज़्यादातर हम क्यों अल्टरनेटर को ही थर्मल पावर में यूज़ करते हैं. मीन्स कि जनरली जो क्या करता है अल्टरनेटर थर्मल पावर में वो क्या ड्राइविंग करता है वो पावर मीन्स जो पावर है प्रेशर का वो हाई स्टीम पे कर देते हैं. पावर ऑफ हाई प्रेशर स्टीम मीन्स कि उसका क्या पावर क्या हो जाता है हाई प्रेशर स्टीम हो जाता है. फिर ऐसी जो अगला है व्हाट फ्यूल्स कैन बी यूज टू हीट वाटर इन द बॉयलर. तो टू हीट वाटर इन द बॉयलर फ्यूल लाइक कोल और नेचुरल गैस कैन बी यूज. मीन्स कौन सा फ्यूल यूज़ होता है इसमें वो हम हीट जो वाटर है उसको बॉयल करने में. तो यहाँ पे कोल का यूज़ कर सकते हैं या फिर नेचुरल गैस का. तो ये हो जाएगा यहाँ पे. अब ऐसे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन ए सी जनरेटर. यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ए सी जनरेटर का और लेबल करना है. विद द हेल्प ऑफ द ऑफ दिस डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ए सी जनरेटर. मीन्स कि जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे हमें एक्सप्लेन करना है ए सी जनरेटर के बारे में. मीन्स वो क्या वर्क करता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है. तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या है परमानेंट मैग्नेट है. परमानेंट मैग्नेट क्या बार मैग्नेट है दोनों तरफ एक तरफ ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मीन्स रेक्टेंगुलर कॉयल लगाई हुई है. टू एंड्स ऑफ द कॉयल में क्या स्लिप रिंग लगा हुआ है जो रोटेट करता है. मीन्स वो क्या कंसिस्ट करता है टू फुल रिंग्स कंसिस्ट करता है. उसके बाद हमने क्या कार्बन ब्रशेस लगाए हुए हैं और एक शाफ्ट लगाया हुआ है जो क्या रोटेट कर रहा है. और यहाँ पे एक हमने मीन्स की सर्किट आउटर सर्किट जैसे कि लिखा हुआ था. तो यहाँ पे एक क्या लगाया है गैल्वेनोमीटर. तो ये हमारा मीन्स डायग्राम है. अब इसी को हम जब एक्सप्लेन करके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा. तो यहाँ पे पहले ए सिंपल एसी जनरेटर कंसिस्टिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉयल ए बी सी डी विच कैन बी रोटेटेड रैपिडली बिटवीन द पोल्स
north and south of a strong horseshoe type permanent magnet M. अब यहाँ पे एक सिंपल एसी जनरेटर है जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉयल मीन्स ABCD कंसिस्ट कर रहा है जो कि रोटेट कर रहा है रैपिडली किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट हैं, मीन्स टाइप है एक परमानेंट मैग्नेट जिसे हम बार मैग्नेट भी कह सकते हैं, मैग्नेट M. द क्वायल इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, द टू एंड्स A एंड D ऑफ ए क्वायल आर कनेक्टेड टू सर्कुलर पीसेज ऑफ ए कॉपर मेटल कॉल्ड स्लिप रिंग्स R1 and R2. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो क्वायल यहाँ पे मीन्स की बना हुआ है वो क्या है, क्वायल जो है हमारा बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर से बना हुआ है, मीन्स की उसमें खूब सारा इंसुलेटेड कॉपर ये जो हमारा रेक्टेंगुलर क्वायल है उसमें लपेटा गया है. देन उसके बाद जो हमारा मीन्स टू एंड है, जो दो एंड हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं ए और डी की, उस क्वायल में क्या कनेक्टेड है, दो सर्कुलर पीसेस की, यहाँ पे जैसे ये सर्कुलर पीसेस जो हैं हमारे ये वो क्या है, वो स्लिप रिंग्स हैं मेटल कॉपर मेटल कॉल स्लिप रिंग्स R1 और R2 ये लगा हुआ है. एज स्लिप रिंग्स रोटेट विद द क्वायल द टू फिक्स पीसेस, मीन्स इसमें क्या स्लिप रिंग्स रोटेट कर रहा है कॉयल के साथ में और दो फिक्स पीसेस क्या है, कार्बन ब्रशेज हैं कॉल मीन्स कि यहाँ पे वो क्या है कार्बन के हैं, दो फिक्स पीसेस हैं कार्बन के तो उसे हम क्या कहते थे ब्रशेज, तो मीन्स वो फिक्स रहता है तो हम इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं कार्बन ब्रशेज. तो कार्बन ब्रशेज कौन सा है, B1 है और B2 है. कीप कॉन्टैक्ट विद दैम, किसके कॉन्टैक्ट से, स्लिप रिंग के कॉन्टैक्ट से वो रहता है हमेशा. फिर उसके बाद सो द करेंट प्रोड्यूस रोटेटिंग कॉयल कैन बी टेप आउट थ्रू स्लिप रिंग्स इन टू द कार्बन ब्रशेज, मीन्स कि वो जो हमारा करंट क्या हो रहा है प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि कॉयल क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है और वो टेप्ड है, मीन्स कि जो आउट स्लिप रिंग्स के कार्बन ब्रशेज टेप्ड है उससे क्या हो रहा है, मीन्स वो रोटेट कर रहा है तो करंट क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है. द आउटर एंड ऑफ कार्बन ब्रशेज, मीन्स जो आउटर एंड है कार्बन ब्रशेज का वो किससे कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, मीन्स हम दिखा सकें जिससे कि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक्सटर्नल सर्किट है. तो इतना तो हम डायग्राम के बारे में पढ़े कि हमने क्या पुट करा क्या नहीं करा, अभी कैसे वर्क करता है, मीन्स अभी तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कि वर्क कैसे करता है तो वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग, सपोज द क्वायल ABCD विच इज़ इनिशियली इन द हॉरिजेंटल पोजिशन, मीन्स जो क्वायल ABCD है वो क्या इनिशियली कैसा है, वो हॉरिजेंटल पोजिशन में है, मीन्स कि हमारे जो ये क्वायल ABCD लगा हुआ है रेक्टेंगुलर कॉल्ड क्वायल जो है वो कैसा है हॉरिजेंटल पोजिशन में. फिर उसके बाद वो कैसे रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि इस साइड में इस तरीके से डायरेक्शन जा रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से वो रोटेट कर रहा है कौन ABCD जो हमारा रेक्टेंगुलर क्वायल है जो इनिशियली कैसे पोजिशन में हॉरिजेंटल. द साइड AB ऑफ द क्वायल मूव्स डाउन, मीन जो साइड AB है यहाँ पे क्वायल की वो क्या कर रही है डाउन की तरफ मूव कर रही है और जो CD है वो मूव्स अप, CD क्या कर रहा है मूव अप कर रहा है और जो क्वायल AB है वो क्या कर रहा है मूव डाउन कर रहा है, ये हो रहा है. देन उसके बाद ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन बोथ द साइड, मीन्स इस वजह से एक हमारे क्वायल मीन्स एक साइड हमारा नीचे की डाउन जा रहा है, मीन्स AB डाउन जा रहा है CD अप जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट हमारा दोनों साइड में क्या हो रहा है मीन्स AB के साइड में भी और CD के भी साइड में प्रोड्यूस हो रहा है. देन उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिर विच फ्लोज इन द डायरेक्शन BADC कौन, फिर वो क्या मीन्स जो हमारा इंड्यूस करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ पे हो गया दोनों साइड में हमारा इंड्यूस करंट डेवलप हो गया वहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद वो कौन सी ABCD डायरेक्शन में वो नहीं फ्लो कर रहा है, वो कैसे फ्लो कर रहा है BA आ रहा है देन AD हो रहा है फिर D से C जा रहा है फिर C से B जा रहा है, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जान जाएंगे कि मीन्स वो कैसे फ्लो कर रहा है. अब ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें पता है मीन्स कि हमारा जो मोशन है वो कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे है, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा जब मोशन है हमारा
उधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस साइड में जा रहा है, तो करंट हमेशा मीन्स कि अगर ए बी किस तरफ हम ध्यान दें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, तो हम राइट फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, मोशन मीन्स हमारा जो थम हो गया वो, तो थम को डाउन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है उसको सीधा करेंगे, तो हमारा करंट क्या, सब 90 डिग्री पे रहते हैं तो करंट क्या जाएगा हमारा नीचे जाएगा। अगर हम इस सी डी साइड में करेंगे, मोशन हमारा ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो करंट किस तरीके से जाएगा, करंट तो हमारा मीन्स स्ट्रेट ऊपर की साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर ऐसे ही मीन्स कि ये हमें फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हमें पता चल गया कि वो किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो बी ए डी सी हमारा इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद 10 इन द फर्स्ट हाफ रोटेशन, 10 जो हमारा फर्स्ट हाफ रोटेशन हुआ, द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है, ब्रशेस B1 और B2, ब्रशेस क्या, जो कार्बन ब्रशेस हैं उसमें हमारा मीन्स कि फर्स्ट हाफ रोटेशन हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट का वो किससे फ्लो कर रहा है, B1 से B2 में जा रहा है। फिर आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन साइड AB एंड CD विल इंटरचेंज देयर पोजीशन, मीन्स हाफ रोटेशन के बाद, जैसे हाफ रोटेशन हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, AB डाउन हो रहा है, CD अप हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, AB अप होगा, CD डाउन होगा, तो जब AB अप होगा CD डाउन होगा तो क्या, फिर वो स्टार्ट मूविंग कर देंगे, एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉयल रिवर्स, फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट का है वो रिवर्स हो जाएगा, फिर कैसे जाएगा, CD जाएगा, फिर उसके बाद AB जाएगा, मीन्स कि पहले C में जाएगा, C से D में जाएगा, फिर D से A में जाएगा, फिर A से B में जाएगा। ये भी हमने कैसे फाइंड करा, सेम वही हमारा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर करंट क्या होगा, करंट इज़ द एक्सटर्नल सर्किट, फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, फिर B2 ब्रश में जाएगा, फिर B1 में जाएगा। पहले क्या था, जब हाफ रोटेशन हुआ था तो वो B1 जा रहा था, देन B2 जा रहा था, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब ये CD की तरफ से फ्लो करेगा तो वो पहले B2 में जाएगा, फिर B1 में जाएगा, फिर उसके बाद A में जाएगा, फिर B में जाएगा, ऐसे करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग था AC जनरेटर का। अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म, हम क्या समझते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन से हम क्या समझते हैं ये बताना है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है। बी है, नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द फेनोमेनॉन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो वर्क कर रहा है ऑन द फेनोमेनॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फिर सी है, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉयल ऑफ वायर, यहाँ पे हमें डिफरेंट वेज डिस्क्राइब करने इंड्यूस करंट के ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर, मीन्स कि अब पहले हम क्या बताएंगे, पहले अंडर हम क्या समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन से वो बताना है, और हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो बी ए हो जाएगा हमारा, द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स क्या प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, किससे, मैग्नेट से, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट अस मूव ए वायर AB अपवर्ड रैपिडली बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, मीन्स अब हम जो हमारा यहाँ पे वायर AB है वो रैपिडली किसके बीच में, बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, मीन्स नॉर्थ और साउथ के बीच में है। फिर वेन द वायर इज मूव अप, जब वायर जो है मूव अप हो रहा है, अब हम जैसे ये बताना है हमें कि जो मैग्नेट तो है उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वही यहाँ पे हम क्या करें, डायग्राम से बता रहे हैं कि क्या होगा, जब हमारा वायर क्या होगा, मूव अप होगा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर विच शोज ए करंट इज प्रोड्यूस इन ए वायर AB मोमेंटरीली। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मीन्स जैसे हमने वायर को अप करा तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होगा, उसका पॉइंटर क्या होगा, वो दिखाएगा कि मीन्स वो जो AB है उसमें करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। देन उसके बाद दस ए वायर इज मूव्ड अप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, मीन्स जैसे ही हमने वायर को मूव अप करा मैग्नेटिक फील्ड से तो हमारा क्या होगा कि वहाँ पे करंट क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मीन्स ये था हमारा। अब ऐसे ही अगला जो हमारा है बी, नेम वन डिवाइस, मीन्स ऐसे डिवाइस का
नाम बताना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन के फेनोमेनॉन पे वर्क करता है, मींस जैसा ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस तरह से वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन से। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ऑफ वायर, डिफरेंट वेज हमें डिस्क्राइब करना है इंड्यूस करंट का। तो डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ऑफ ए वायर आर बाय मूविंग द कॉइल रिलेटिव टू ए फिक्स मैग्नेट, मीन्स जब वह कॉइल को क्या करेंगे, मूव करेंगे फिक्स मैग्नेट से, जैसे कि यहाँ पे है, तो हमारा क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और बाय कीपिंग द कॉइल फिक्स एंड मूविंग ए मैग्नेट रिलेटिव टू इट, मींस कॉइल को अगर हम फिक्स रखेंगे और मैग्नेट को मूव करेंगे तब भी हमारा करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और जब हम मींस हमारा मैग्नेट फिक्स रहेगा, हम हमारे कॉइल को मूव करेंगे तब भी हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। फिर ऐसे अगला है क्वेश्चन नंबर 24, ए वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म्स डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि हम डायरेक्ट करंट से क्या समझते हैं और अल्टरनेटिंग करंट से क्या समझते हैं। तो यहाँ बी हो जाएगा, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यहाँ पे हमें सम सोर्स बताना है डायरेक्ट करंट का और सम सोर्स किसके बताने हैं, अल्टरनेटिंग करंट का। फिर ऐसे ही है सी, स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओवर डायरेक्ट करंट, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज बताना है किसके, अल्टरनेटिंग करंट का ओवर द डायरेक्ट करंट। फिर डी है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, मीन्स कि क्या फ्रीक्वेंसी है एसी जो सप्लाई होता है इंडिया में। फिर ए हो जाएगा यहाँ पे, इफ़ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर करंट क्या है फ्लो कर रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। अगर करंट जो है सिर्फ मींस कि रिवर्स हो रहा है डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मींस हाफ रोटेशन के बाद दूसरा रिवर्स हो जा रहा है उसका डायरेक्शन करंट का, तो क्या होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। फिर ऐसा मीन्स सोर्स बताना है सम डायरेक्ट करंट के और कुछ अल्टरनेटिंग करंट के। सोर्स ऑफ डी सी आर ड्राई सेल्स, कार बैटरी, डी सी जनरेटर एक्सेट्रा, मीन्स यहाँ पे सोर्स जो डायरेक्ट करंट का है वो क्या है, ड्राई सेल है, कार बैटरी है और डीसी जनरेटर है। फिर सोर्स ऑफ एसी आर एसी जनरेटर, बाइसिकल्स, डायनामोस, ये सारे किसके हैं, एसी जनरेटर के हैं। फिर अगला मीन्स कि हमें इम्पॉर्टेंट एडवांटेज भी बताना है करंट ओवर डायरेक्ट करंट का, तो एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मीन्स इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है एसी का ओवर डीसी इज दैट एसी कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स यहाँ पे मेन क्या एडवांटेज है कि जो एसी है वो ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे बिना ज़्यादा एनर्जी को, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस करे, वो लॉन्ग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी वो क्या होगा एसी करंट हो पाएगा और डीसी वहाँ पे नहीं हो पाता है। और वो क्या करता है, मीन्स कि अगर डीसी को ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो क्या करेगा हमारा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा लॉस करेगा, मीन्स कि यहाँ पे एसी क्या करता है, कम लॉस करता है और डीसी क्या करेगा, वो ज़्यादा लॉस करेगा। फिर डी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया की मीन्स एसी सप्लाई कितनी है, तो हमें ये बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज, मीन्स इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज। So please like, comment, share this video. Thanks for watching this video.